ना कर सकते हैं। प्रशासन के दिखाई रास्ते तक से ही हम लोग आए और जहां बोला गया तो वहीं फिर अचानक आता है कि 144 लगा है। क्या लगता है आज आप लोग का जो आंदोलन था उससे कुछ सरकार को असर पड़ेगा? असर पड़ा है तभी तो देख रहे हैं कि माने छात्रों को दबाने के लिए एडीएम साहब खुद माने मोर्चा संभाले हैं। लाठी चार्ज हुई है बहुत। हां देखो तब फाट दिया गया तो छात्र भी घायल है। आंसू गैस भी छोड़ा गया है, आंसू गैस रबड़ गैस बदतमीजी हुई है। हां हुआ हुआ है, सही बात है। आप हिरासत में लिए गए हैं? हां फिलहाल हिरासत में लिए गए हैं। हम तो अंदर जा रहे हैं, हम तो क्या कह सके, अब जब बाहर आएंगे तभी होगा, अगर बाहर आने दिया जाएगा तो। 22 मार्च है भगत सिंह का, इसीलिए तो सामने हंस के बात कर रहे हैं सामने, इसीलिए तो बाकी देखिए बाकी लोग पीछे हट चुके हैं, 2-3 हज़ार के संख्या में थे नौजवान, जान बुझ के क्यों देंगे, हम तो खड़े हम तो पिटने बोल रहे हैं, जान बुझ के क्यों देंगे, हम ये बोले थे हम पीछे नहीं हटेंगे, फांसी का मांग कर रहे हैं, हम तो फांसी का मांग कर रहे हैं, अगर हम लोग अगर आंदोलन करना गुनाह है तो फांसी का मांग कर रहे हैं, सही बात है। जयराम जी कहीं ना कहीं कानून तो आपने तोड़ा, 144 का उल्लंघन। अच्छा दादा नहीं नहीं ठीक नजदीक नहीं, उसका एक दूरी कम से कम होता है 200-300 मीटर में ही 144 होता है, हम लोग हाफ किलोमीटर पीछे है, हम लोग भी बचपन से जब वोट देने जा रहे हैं तो हम लोग को भी नॉलेज है कि मैंने 144 कहाँ तक होता है, आप देखिए कहाँ है विधानसभा, यहाँ है और आपका जो हम लोग क्षेत्र है लगभग हाफ किलोमीटर है, तो लगभग 200-300 हुआ, पत्थर चलाए गए, पुलिस वाले घायल भी हुए हैं। देखिए उसकी हमें जानकारी नहीं, आपके पास अगर वीडियो है तो जो लोग ऐसा किए हैं दोषी हैं, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से आए हैं। आपके ऊपर भी लाठीचार्ज हुआ, आपके टी-शर्ट फटे हुए, बुरा भेदभाव हुआ है, कपड़ा फाड़ा गया है, खींचाता नहीं हुआ है, लाठीचार्ज अभी तक नहीं हुआ है, आगे अगर अंदर में हुआ तो बता देंगे। कोई छात्र घायल हुए हैं? हाँ 2-4 छात्रों का लहू बहा है और लाठीचार्ज देखिए इनको हुआ है, जो साथी थे हम पे लाठीचार्ज लेने की हमको पकड़ लिए थे। उग्र आंदोलन, लेकिन आप अकेले गिरफ्तारी दे रहे हैं, ऐसा क्यों? बाकी हम भी गिरफ्तारी देने हम नहीं आए। तुम लोग को भी बैठा, रुको हल्ला नहीं पीछे बैठेगा, दूसरा गाड़ी में। देखिए हम कहेंगे कि लोकतांत्रिक देश में लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है, लेके जा रही है हम लोग दादा, उससे लगाइएगा सिस्वा डाउन कर देते ना थोड़ा, चलिए नहीं होगा इसी बना लीजिए। बंद करो बंद करो, अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।